तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को चेंज करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। हाउ टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, कैसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जाना है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि इस तरह से एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक हमारे पास ऐसा हो सकता है कि 0.6 बार को आप लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करें, और नहीं तो एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करें, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको एक्सप्रेस करें इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों का मतलब एक ही हुआ है कि हम लोग को इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है 0.6 बार, 0.3 बार या फिर 0.34 बार, कोई भी क्वेश्चन दिया हो रहा है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को लेट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे किया लेट x इक्वल टू 0.6 का बार, हम लोग जानते हैं कि इस बार का मतलब क्या होता है। हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.6666, मतलब कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो 6 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, और हमको इसको चेंज करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो जो नंबर रिपीट कर रहा है वो डेसिमल से कितना आगे है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा जो रिपीटिंग नंबर है वो डेसिमल का अगला नंबर है, डेसिमल के एक ये जो नंबर रिपीट कर रहा है वो डेसिमल के बाद पहले स्थान पर है। अगर जो रिपीटिंग नंबर डेसिमल के बाद पहले स्थान पर होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और अगर जो रिपीटिंग नंबर होगा वो डेसिमल के दूसरे स्थान पर होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको, जहां के हम देख रहे हैं ये 0.6 का बार है, मतलब डेसिमल के बाद पहले अक्षर का पहला लेटर क्या कर रहा है हमारा, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जैसे इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक अंक आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 इस तरह से। पहले वाले को हम 1 लेट करेंगे और दूसरे वाले को 2। इसके बाद जो हमको करना है वो इक्वेशन 2 में से हम लोग घटाएंगे इक्वेशन 1 को, इसके बाद हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 में से घटाएंगे इक्वेशन 1 को। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 10x इक्वल टू 6.666, इक्वेशन 2 में से 1 को हम लोग घटाने वाले हैं, तो 10x माइनस 6.666 और ये हमारा x इक्वल टू 0.666। जैसे ही हमने इसको घटाया तो इसके बाद का सारा नंबर 6 ही होगा, तो 6 माइनस 6 0, 0, 0 डेसिमल का डेसिमल, और 6 माइनस 0 6, यहाँ पे हम लोग हटाएंगे 10x में से 1x, तो ये कितना हो जाएगा 9x। तो यहाँ पे आया मेरे पास 9x, यहाँ पे मेरा आया 9x इक्वल टू 6, तो यहाँ से x का वैल्यू लिख सकते हैं 6/9, कहने का मतलब इसको काट के छोटा करें तो 2/3 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। हेंस 0.6 बार का मतलब कितना हुआ 2/3। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, 0.34 का बार, इसको एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखते हैं कि हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट, जब 2 डिजिट रिपीट करेगा तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो पहले तो क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स इक्वल टू 0.34 का बार, और हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 0.34 इस तरह से। अभी हमने बताया कि जब डेसिमल एक अंक तक होगा तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सॉरी 100 से, मल्टीप्लाइंग बाय 100
इन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 100x, और जब यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अंक के बाद, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल दो अंक के बाद चला जाता है, 34.3434 इस तरह से। ये हमारा 1 और ये 2। ये बार इस बार भी हम वही करेंगे, हमेशा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे। पहले हम अपना दो इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन 2 है 100x इक्वल टू 34.3434, और इक्वेशन 1 है हमारा x इक्वल टू 0.3434। जैसे ही हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स 99x, और यहाँ पे 3 माइनस 4 ये सब कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 34। तो यहाँ से सिंपली हम लोग अगर x का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू तो हो जाएगा 34/99। तो ये हमारा क्या आया, सिंपलेस्ट फॉर्म में, या पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो इस तरह से हमने देखा कैसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को चेंज करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहेगा 0.324 बार। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारा 0.324, हमारा जो बार जो है वो 24 के ऊपर है, मतलब जो नंबर जो रिपीट कर रहा है वो सिर्फ 24 कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा बात का ध्यान रखेंगे, हम लोग पहले जो मल्टीप्लाई करेंगे वो रेकरिंग तक पहुंचेंगे, हमारा रेकरिंग कहाँ तक, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसको इस तरह से करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 0.324 का बार, और इसका मतलब हमें जान रहे हैं क्या होगा, 0.3 ये 24 रिपीट करेगा। तो सबसे पहले हमको जो संख्या रिपीट कर रहा है, जो नंबर रिपीट कर रहा है, डेसिमल को वहां लेके जाना है। तो सबसे पहले अगर डेसिमल को हम यहाँ पे लेके आए तो इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड। तो हमारा हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 3.242424। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए हमारा जो नंबर जो अब जो रिपीट कर रहा है वो डेसिमल के बाद से कर रहा है, और कितना नंबर रिपीट कर रहा है, दो नंबर। जब नंबर दो रिपीट करता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कितना से करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि 3 रिपीट नहीं कर रहा है, 3 के बाद का जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल को ले जाएंगे 3 के बाद तक, जहां से रिपीटेशन शुरू हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन बोथ साइड। जैसे हम लोग इस 10x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000x, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, दो डिजिट के बाद चला जाएगा, ये हो जाएगा 324.2424। इसको मानेंगे कितना, दो। फिर से वही काम, इक्वेशन 2 में से घटाएंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 है हमारा 1000x इक्वल टू 324.2424, और इक्वेशन 1 है हमारा 10x इज इक्वल टू 3.2424। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें 2424 रिपीट कर रहा है, तो सारा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 आते रहेगा, 4 माइनस 3 1 2 और 3। और जब हम लोग 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 990x, और सिंपली यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें तो 321/990। अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में काट सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये जो नंबर आया हमारा क्या आया, पी वाई क्यू के फॉर्म में आया। तो आज हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं
रेशनल नंबर के फॉर्म में या फिर पी वाई क्यू के फॉर्म में। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आएंगे, 0.37 के ऊपर बार और प्लस 0.367 के ऊपर बार, इन दोनों को प्लस करना है या फिर माइनस करने के लिए या फिर गुना करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन आए। सबसे पहला काम हमको होगा कि इन सब नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। बुक में क्वेश्चन है इस पे बहुत सारे, पहले हम लोग इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद हमको ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में कुछ और नया सीखेंगे।